नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको कुंडली के 12 हाउस के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये 12 हाउस होते क्या हैं और इनको देखा कैसा जाता है। आप इधर ध्यान से देखिए, ये हमारे जो है ये कुंडली है, हमारा हॉरोस्कोप है। जब किसी भी आदमी का या किसी चीज़ का जन्म होता है तो उसके जो ये हाउस होते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। इसका हाउस का मतलब क्या है कि जो अपना प्लेनेटरी सिस्टम है उसका एक फ़ोटो जो होता है वो निकालते हैं, तो उसमें ग्रह और नक्षत्र और राशियां ये सब इसमें होते हैं। तो इसको 12 कंटेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे नंबर कोई भी रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 12 नंबर कोई भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर हमको सिर्फ हाउस देखना कि ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस से अपीयरेंस और पर्सनैलिटी, जो आदमी का जन्म हुआ है उसकी पर्सनालिटी कैसा है, उसके हाव भाव कैसे, उसके स्वभाव कैसा है, वो दिखने में कैसा दिखता है, ये सब इस हाउस से देखेंगे। और सेकंड हाउस आ जाता है उसका मनी फैमिली, पैसा कैसा है, उसके एसेट्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, वो खाना पीना उसको कौन सा पसंद रहेगा, ये सब यहाँ से देखते हैं। थर्ड हाउस उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, सिबलिंग्स कैसे है, छोटे भाई बहन, ये सब हम थर्ड हाउस से, उसका नेटवर्किंग कितना है, हमारे डॉक्यूमेंट को भी मतलब ये हमारे डॉक्यूमेंट कैसे हैं, वो सब थर्ड हाउस से देखते हैं। एंड फोर्थ हाउस हमारे घर है, प्रॉपर्टी है, लग्जरी है, कार है, वह बंदा मतलब कौन से घर में रहेगा, कैसा घर होगा उसका, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, कैसा होगा, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। एंड पाँचवा हाउस, फिफ्थ हाउस हमारी लाइकिंग का है एंड बच्चों चिल्ड्रेंस का है और एजुकेशन का, और अनसर्टेन लाभ भी इससे देखते हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ये प्राथमिक ज्योतिष में ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड सिक्स हाउस हमारे सर्विस का है, सिकनेस का है, कोर्ट केस। सिक्स हाउस से सर्विस देखते हैं कि हमारा जॉब कैसा रहेगा, बॉस को भी देखते हैं कि बॉस कैसा होगा, हमारी बीमारियाँ क्या होंगी, किस प्रकार की बीमारियाँ होंगी, और कोर्ट केस, लिटिगेशन, कोर्ट केस कैसे होंगे, फिर उसका साल कैसा होगा, वकालत क्या होगी, ये सब सिक्स हाउस से ही देखते हैं। एंड सेवेंथ हाउस हमारे पार्टनर का है, कस्टमर का है, कैसा कस्टमर होगा, हमारा इंट्रैक्शन कैसा होगा, डेली का आदान प्रदान, डेली मतलब हमारे खर्च, कितने आमदनी हुआ, कितना घाटा हुआ, ये हमारे हमें सेवेंथ हाउस से देखते हैं। एंड एट्थ हाउस हमारे फियर का है, पेन का है, एक्सीडेंट, फियर मतलब पेन एंड एक्सीडेंट, ये एट्थ हाउस है। इसमें एट्थ हाउस में बहुत सारे चीज़ आते हैं, इंश्योरेंस आता है, ज्योतिष आता है, साइंटिस्ट आते हैं, फैक्ट्रियां जाती है, सब एट्थ हाउस से आता है। नाइन्थ हाउस हमारा धर्म कैसा होगा, धर्म क्या है हमारा, हमारे पिता का भी आता है, पिता का भी वो हाउस है कि हमारे पिता कैसे रहेंगे, हमारे पिता से अच्छा लग जमेगा कि नहीं जमेगा, फिर हमारा धर्म कैसा रहेगा, कौन धर्म मतलब हमारा धर्म करना क्या है, मतलब धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ये सब नहीं, हमारा धर्म क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है, क्या है, ये हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। एंड टेंथ हाउस हमारा कर्म, ऑक्यूपेशन, हमारे कर्म कैसे होंगे, ये यहाँ से सब देखते हैं कर्म से, टेंथ हाउस को। एंड एलेवेंथ हाउस जो हमारे गेन का है, फुलफिलमेंट, एंड एल्डर भाई, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, ये सब एलेवेंथ हाउस से देखते हैं। फुलफिलमेंट ये सब एलेवेंथ हाउस से देखते हैं। हमारा सोशल नेटवर्किंग क्या है, कैसे लोग हैं, हमारे एरिए के लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये सब एलेवेंथ हाउस से देखते हैं। एंड ट्वेल्थ हाउस वीकनेस, सर्च एंड बेड, ये ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं हमारा सिकनेस क्या रहेगा, खर्चे क्या रहेंगे, किस प्रकार के खर्चे रहेंगे, ये सब हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। और इसमें आप एक और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे 12 हाउस हैं इनमें भी 4 प्रकार के हाउस होते हैं जो आपको नीचे दिखेगा, केंद्र, त्रिकोण और उपास्य, त्रिकभाव। ये जो केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव बोले जाते हैं। आप देखिए 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है, और इसको आप काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। ये जो ऐसा वन नंबर से रहता है ये काल पुरुष की कुंडली मानी गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और इसमें त्रिकोण होता है 1, 5 और 9, ये त्रिकोण भाव होते हैं। और तीसरा आता है उपाच्याय, 3, 6 और 11 ये उपाच्य भाव हैं, 3, 6, 11। एंड त्रिक भाव 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव होते हैं।
12:6-8 त्रिक भाव। अब आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हम आपको प्लैनेट के जो हमारे प्लैनेट हैं प्लैनेट के नाम बताएंगे और प्लैनेट के क्या दृष्टियाँ हैं पराशरी ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में कि हम उनके दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्लैनेट। ये हमारे 9 प्लैनेट हैं और ये उनके ट्रांजिट है जिसको गोचर बोलते हैं। ये विश्वोत्तरी महादशा है, जो महादशा होती है इसमें सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु और इनकी जो हमारे लाइफ की जो होते हैं महादशा 120 साल के होते हैं। तो प्रत्येक इंसान की महादशा जो होती है 120 साल की होती है। 120 साल के पूरा होता है तो जो चक्र ख़त्म होता है। उसके बाद अभी सन जो है 30 दिन में ट्रांजिट करते हैं, अपनी राशि बदलते हैं और इनकी महादशा 6 साल की होती है। मून 56 से 58 हावर और इनकी महादशा होती है 10 साल की। मार्स 42-45 डेज 7 ईयर, इनका गोचर 40 से 45 दिन का होता है एक राशि में और 7 साल की महादशा होती है। मरकरी ये 28 से 30 दिन का इनका गोचर एक राशि में रहता है और इनकी महादशा 17 साल की होती है। जुपिटर ये 13 मंथ एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि चेंज करते हैं और उनकी महादशा 16 वर्ष की होती है, 16 ईयर्स। वीनस 40-50 डेज में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इनकी महादशा होती है 20 ईयर। सैटर्न की 30 मंथ के लिए रहते हैं एक राशि में, सबसे स्लोनेस प्लैनेट है और सबसे अच्छे प्लैनेट और ये 19 ईयर इनका होता है महादशा। राहु 18 मंथ एक राशि में और 18 ईयर इनकी जो है महादशा होती है। केतु 18 मंथ ट्रांजिट एक राशि में और इनकी महादशा 7 ईयर और ये टोटल इनको काउंट करने पर 120 ईयर होता है। हर किसी इंसान का जो जन्म होता है उनको 20 ईयर होती है, लेकिन आज के समय में 100 भी कोई नहीं पहुंच पाता। अभी ये जो हमारे प्लैनेट हैं इनको कुछ दृष्टियाँ मिली हैं जिसमें से 4 प्लैनेट के दृष्टियाँ सेम हैं, बाकी कुछ की जो है स्पेशल दृष्टि है, जैसे मार्स की स्पेशल दृष्टि है, जुपिटर की स्पेशल दृष्टि है, सैटर्न की है, राहु की, केतु की। जिसमें से सन अपने जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वें हाउस को देखते हैं, मून जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7th हाउस को देखते हैं, मार्स जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपने से 4th, 7th और 8th हाउस को देखते हैं, मरकरी 7th को देखते हैं, जुपिटर 5th, 7th, 9th, वीनस 7th, सैटर्न 3, 7, 10, राहु 5, 7, 9, केतु 5, 7, 9। आप जैसे समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये हमारा हॉरोस्कोप है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी मान लीजिए यहाँ जैसे जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर की दृष्टि क्या होती है 5, 7, 9। तो अभी यहाँ से जैसे ये 5 यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पांचवी ये दृष्टि हो गई, 6, 7 ये 7वीं दृष्टि हो गई, 8 और 9 ये 9वीं दृष्टि हो गई। इस तरह हम काउंट करते हैं। अभी मान लीजिए जैसे यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे हुए तो सैटर्न की दृष्टि क्या है 3, 7 एंड 10।
तो यहाँ से 1, 2, 3 ये तीसरी डिस्ट्री, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेवेंथ डिस्ट्री, और फिर 8th, 9th, 10th ये दसवीं दृष्टि। इस तरह से हम देखते हैं हर, और हर प्लेनेट जहाँ से बैठता है वो सामने जो देखता है वो सेवेंथ दृष्टि होती है। उसके बाद इनको फिर आगे आपको हम बताते जाएंगे, फिर ये केपी में जो होते हैं वो क्या एस्पेक्ट अलग होते हैं, जिसमें 30, 45, 60, 120, 90, 150 ऐसी 180 ये दृष्टियाँ होती हैं, उसमें अलग से सिस्टम है। और इसमें ये पराशरी ज्योतिष में ये सिस्टम है एस्पेक्ट के। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, हम फिर से मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।